पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो यहाँ जो लिक्विड ट्रेवल कर रहा है, स्पीयर छोड़ दिया, स्पीयर पाइप लिया हुआ है, इस पाइप के अंदर जो हमारा लिक्विड है वो। इस वीडियो के अंदर टोटल दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, पहला हमारा टर्मिनल वेलोसिटी और दूसरा बर्नौलीज इक्वेशन। और दोनों टॉपिक गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके पहले, इस बोर्ड एग्जाम को छोड़ के, इसके पहले ये वाला टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया था। तो भाई अभी बहुत अच्छे से करना, और टेंशन क्यों ले रहे आपके प्रति, तो इतने सिंपल तरीके से आपको इक्वेशन बताएंगे ना, डेरिवेशन, कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और इसका 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 नोट्स ना आपको मिलेगा कहाँ पता है? टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोगों के लिए स्पेशल टेलीग्राम बना हुआ है, और वहीं के नीचे मेरा इंस्टाग्राम भी है भाई, फटाफट जाके फॉलो कर लो। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है मेरे दोस्त? टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी अगर मुझे समझाना तो बताना चाहूंगा। एक मैंने एक्स वाई जेड कोई बीकर ले लिया, इस बीकर के ऊपर मेरे अंदर मस्ती है, मैंने ऊपर से क्या किया, एक स्पीयर छोड़ दिया, स्पीयर छोड़ दिया। स्पीयर छोड़ने के बाद जिस स्पीड से उस इस फ्लूइड के अंदर गिरेगा, उस स्पीड को मैं क्या बोलता हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी। जिस स्पीड से इस फ्लूइड के अंदर वो वाला स्पीयर गिरेगा उसको हम क्या बोलते हैं, जिस मैक्सिमम स्पीड से इस फ्लूइड के अंदर गिरेगा उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, उस स्पीड को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और गाइस जब ये फ्लूइड के अंदर गिर रहा होगा तो इसके ऊपर टोटल तीन फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं। पहला ऊपर की तरफ दो और नीचे की तरफ एक, अरे ऐसा नीचे की तरफ ऐसा, तो ये एक रहेगा हमारा अप थ्रस्ट फोर्स और दूसरा हमारा विस्कस फोर्स। अप थ्रस्ट फोर्स भाई लिक्विड लगाता है, जितना हमारा स्पीयर का वेट होगा उतना ही सामने से लिक्विड भी उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स को हम बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। और दूसरा हमारा जो फोर्स लग रहा है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स के बारे में गाइस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था स्टॉक्स लॉ में उसकी वैल्यू हमने निकाली थी इसके पहले वाला जस्ट वीडियो, प्लीज जाके वो देख लेना। और नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो तो प्यारा सा है, आप सभी को पता है कि वेट, जितना स्पीयर का वेट है उतना वो भी क्या कर रहा है, उस लिक्विड के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो नीचे वेट ऑफ द स्पीयर और ऊपर के साइड दो फोर्सेस, पहला अप थ्रस्ट और विस्कस फोर्स। भाई बस इसी को देख के हमारा डेरिवेशन हमें निकालना है, तो चलो 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 निकालते फटाफट। ओके, बाकी यहाँ देखो कुछ चीजें ऊपर डेफिनेशन है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। आर स्पीयर ऑफ द रेडियस है जो हमारा रो दिया, डेंसिटी ऑफ द स्पीयर है जो स्पीयर नीचे गिर रहा है, दोनों ही डेंसिटी है बट दोनों सेम ना हो जाए इसलिए हमने दोनों का अलग अलग दिया है। ये डेंसिटी हमारा स्पीयर का है और ये डेंसिटी हमारा लिक्विड का है, और ये जो है हमारा पॉइस ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो चलो फटाफट फाइंड करते हैं। भाई नीचे आ जा। तो भाई आपके सर ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या है, वेट ऑफ अ स्पीयर, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, दो फोर्सेस, अप थ्रस्ट फोर्स एंड विस्कस फोर्स। ओके, जो हमारा वेट ऑफ द स्पीयर है उसका फॉर्मूला एमजी होता है, और आप सभी को बताना चाहूंगा अप थ्रस्ट फोर्स भी वही है, जितना मैंने बोला जितना वेट स्पीयर का होगा उतना ही सामने से भी उसको उतना ही फोर्स लगाएगा, कौन हमारा लिक्विड, जिसको बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। प्लस भाई इसका तो आप सभी को पता है, जो मैंने वैल्यू निकाली थी 6 पाई पॉइस आर वी, वी हमारा वेलोसिटी, यही तो हमें फाइंड करना है। अब एम आप सभी को पता है, एम क्या है हमारा मास, और मास के लिए मास को कैसे निकालना है, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा मास, ये हो जाएगा हमारा रो वी। याद रखो ये वॉल्यूम वाला है, ये वेलोसिटी वाला है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये वॉल्यूम वाला वी है। देन गाइस यहाँ आप थ्रस्ट फोर्स लिक्विड लगा रहे हैं, तो भाई सेम हम यहाँ जो डेंसिटी का यहाँ रो हमने यूज किया है, यहाँ क्या यूज करेंगे सिग्मा और वी और आगे वाला ये जी। ओके, देखो मास की वैल्यू हमने रो इंटू वी लिख ली, प्लस 6 पाई पॉइस आर वी, ये समझा ना, ये हमने कैसे लिखा, सेम ही वैसा मास ही निकालना है, तो फिर से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा मास मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ डेंसिटी किसकी बात चल रही है, लिक्विड की बात चल रही है, इसीलिए यहाँ हमने रो यूज नहीं किया सिग्मा यूज किया, क्योंकि दोनों साइड रो यूज करते तो दोनों कैंसिल हो जाता। ओके, अब चलते हैं आगे गाइस। अब देखो ये वी, वी क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 πr³ × g, ठीक है, 4/3 πr³ इक्वल, आप सभी को मैंने अभी बताया था कि जितना स्पीयर का वेट होगा उतना ही सामने से उसको फोर्स एक्ट होगा, तो सेम हो यहाँ चीजें हम देखेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा फिर इसका भी 4/3 πr³ और आगे
ये वाला जी 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 6 पाई पॉइज आर वी। अब गाइस क्या होगा, ध्यान दो अच्छे से, मुझे ये वी निकालना है, ये वी निकालना है, तो मुझे इसको यही रखना पड़ेगा, ये वाले को राइट हैंड साइड में है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा, तो ये कैसा हो जाएगा 6 पाई पॉइज आर वी, ध्यान देना ये अपनी जगह पे ही है, ये अपनी जगह पे है रो 4/3 पाई आर क्यू जी, और इसको हम यहाँ लेके आए इसलिए माइनस हो जाएगा सिग्मा 4/3 पाई आर क्यू जी, ध्यान देना क्योंकि कभी कभी कोई चीजें इसमें से छूट जाती है। अब इसके अंदर गाइस हम ध्यान से अगर देखते हैं, सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन क्या क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा 4/3 पाई आर क्यूब जी, लगभग सब कॉमन निकल रहा है 4/3 पाई आर क्यूब जी, बस क्या बचा इस साइड रो बचा और उधर क्या बचा सिग्मा बचा और इधर 6 पाई पॉइज आर वी। अब गाइस देखो दोनों साइड से वी भी कैंसिल, ये वी कैंसिल हो, सॉरी पाई कैंसिल, पाई पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसके साथ ही देखो ये आर और यहाँ से एक आर कैंसिल हो गया और कुछ बचा गया, देखो इस साइड क्या बचा 6 बचा है, ये पॉइज बचा है और ये वेलोसिटी बचा हुआ है और इधर क्या बचा है 4/3 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा, क्लियर। अब गाइस अब क्या करेंगे, हमें ये टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है टर्मिनल वेलोसिटी, ये बाकी वैल्यू कहाँ जाएगी डिवाइड में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4/3 ये डिवाइड में आ जाएगा 6 3 का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और साथ में और क्या आ रहा है ये समझ में आ रहा है, ये दोनों डिवाइड में आ जाएगा, ये तो हमें फाइंड करना है टर्मिनल वेलोसिटी, तो ऊपर क्या क्या बचा आर स्क्वायर बचा जी बचा रो माइनस सिग्मा बचा। अब गाइस इसको और हम छोटा कर सकते हैं क्योंकि दोनों 2 के टेबल में जाता है तो 2 बचेगा और नीचे कितना बचेगा 9 बचेगा, तो क्या हो गया टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 इंटू आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन पॉइस, ये हो गया हमारा टर्मिनल वेलोसिटी, ये हमने टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी हमने फाइंड कर दिया। अब बढ़ते गाइस नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा बर्नौलिस इक्वेशन, गाइस बर्नौलिस इक्वेशन के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बर्नौलिस इक्वेशन क्या होता है पहले ये समझ लो, देखो हमने क्या किया हुआ है, हमने एक पाइप लिया हुआ है, इस पाइप के अंदर जो हमारा लिक्विड है वो ट्रेवल कर रहा है, हमारा फ्लूइड है वो जो ट्रेवल कर रहा है, तो उस किसी भी पॉइंट पे जब हम देखेंगे तो इट इज अ सम ऑफ प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तीनों क्या होते हैं तीनों का सम करेंगे तो तीनों क्या होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं, मतलब कहीं भी आप यहाँ अगर प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ओके अगर इस पॉइंट पे निकालते हो तो तीनों की वैल्यू, जैसे मैं यहाँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो बताऊँ, ये देखो कलर चेंज करते हैं हम कौन सा कलर लूँ भाई, अब मान लो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे जितना प्रेशर एनर्जी होगा जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही इस पॉइंट पे भी क्या होगा प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ओके दोनों, मतलब कहने का मतलब क्या हर पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है। हाँ एक चीज हो सकता है जहां प्रेशर एनर्जी कम होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है बढ़ सकता है और जहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा वहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कम होगा, ये चीजें होगी, बट तीनों को अगर मिलाओगे तो उसकी वैल्यू हर जगह क्या होगी सेम होगी, मैंने कहा इट इज अ सम ऑफ सम किसका प्रेशर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तीनों का सम अगर हम करते हैं तो हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी कांस्टेंट मिलेगी, बट मैंने क्या बोला कि हो सकता है कहीं प्रेशर एनर्जी बढ़े तो उसको बैलेंस कौन करता है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़े तो कौन कम होगा काइनेटिक एनर्जी, ऐसी चीजें क्या होती है बैलेंस होती है, बट हर पॉइंट पे तीनों का सम क्या होता है कांस्टेंट होता है और यही मुझे फाइंड करना है बर्नौलिस इक्वेशन के थ्रू। बर्नौलिस इक्वेशन वैसे बहुत सारी चीजें बताता है गाइस, कुछ चीजें हमें पहले से दिमाग में रख लेना है कि इनलेट पॉइंट पे जहां से लिक्विड अंदर जा रहा है और जहां से फ्लूइड मतलब लिक्विड और मान लो लिक्विड की बात करूं यहां से लिक्विड अंदर जा रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है तो हमें एक ऐसा आइडियल लिक्विड लेना पड़ेगा एक ऐसा आइडियल फ्लूइड लेना पड़ेगा जिसके अंदर विस्कोसिटी नहीं है, नॉन विस्कस फ्लूइड यूज कर रहे हैं, कौन सा फ्लूइड यूज कर रहे हैं नॉन विस्कस मतलब उसके अंदर कोई विस्कोसिटी नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा होता नहीं है पर हमें ऐसा मानना पड़ेगा समझ रहे, हमें एक ऐसा आइडियल फ्लूइड लेना पड़ेगा जो नॉन विस्कस हो
और जिसका वॉल्यूम ओके जिसका वॉल्यूम जितना इनलेट पे हो उतना ही आउटलेट पे हो, मतलब वॉल्यूम एट इनलेट सेम एज अ वॉल्यूम एट आउटलेट। ये सभी चीजें हमें अज्यूम करना पड़ेगा बर्नौली इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। ओके पहले बता देता हूं, प्रैक्टिकली ऐसा फ्लूड पॉसिबल नहीं है कि जिसके अंदर विस्कोसिटी नहीं हो। ओके बट हमें ऐसा आइडियल फ्लूड लेना पड़ेगा बर्नौली इक्वेशन को प्रूव करने के लिए कि जितना मतलब जो फ्लूड हम ले रहे हैं उसके अंदर पाइप के अंदर कोई विस्कोसिटी नहीं है, ऐसा हम कंसिडर करके चल रहे हैं। और विस्कोसिटी नहीं है इसीलिए इनलेट पे जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही आउटलेट पे भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा, ऐसा हम कंसिडर करेंगे किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। और वही अब वॉल्यूम सेम है, मतलब क्या है कि जितना इनलेट पे मास रहेगा उतना आउटलेट पे भी कितना रहेगा उतना मास रहेगा। ओके क्लियर। एक चीज और बताता हूं, अगर एरिया एरिया हम इंक्रीज करेंगे, सुनो एरिया हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एरिया हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी वेलोसिटी, वॉल्यूम बोल रहा हूँ। एरिया अगर इंक्रीज करेंगे तो जो फ्लूइड का स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगा। एरिया अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जो फ्लूइड का स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगा। सर कैसे समझ रहे हैं, समझाता हूँ। पाइप ले लो, ये मस्ती लो, सही बताना ये मस्ती कितने लोगों ने किया है। पाइप का अगर एरिया बहुत ज्यादा है तो उसका स्पीड बहुत कम जाता है, बट अगर उसी पाइप को हम दबा देते हैं, अगर एरिया हमने कम कर दबाने के बाद हमने क्या किया, एरिया उसका कम कर दिया, और एरिया कम कर दिया तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो भाई इसीलिए दोनों के बीच का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी मतलब स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब एरिया कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये पाइप की चीजें ये हमने देखी है, और ये सभी चीजें किस ये सभी टॉपिक किसके अंदर आता है, हमारे बर्नौली इक्वेशन के अंदर ही आता है। तो चलो इन सभी चीजों को हम प्रूव करेंगे। जो जो चीजें मैंने बताई प्लीज उसको दिमाग में रखना, और ये सभी पॉइंट्स है कि हमने यार देखो हमने इतने पॉइंट को कंसीडर कर लिया है। ओके यहाँ जितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा पार्टिकल है उसको dx1 ले लिया, जितना जो ट्रैवल हो रहा है उसको dx2 ले लिया है। ओके ये इनलेट पे जो इनलेट के एरिया को हमने a1 लिया, आउटलेट का a2 ले लिया है। ओके इतने पार्ट को हम लोग देखते हैं कितने पार्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सभी चीजें आपने इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए लेते हैं गाइस। तो चलो चलो हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल तरीके से, टेंशन नहीं लेना। इसके लिए मुझे इसको नीचे लेना पड़ेगा। सबसे पहले गाइस कि हम टोटल नेट वर्क डन फाइंड करेंगे, सो गाइस चलो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल वर्क डन। क्या फाइंड करेंगे, टोटल वर्क डन मतलब इनलेट और आउटलेट को मिला के टोटल वर्क कितना हो वो मैं क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। सो गाइस आप सभी को पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इनलेट की बात करूं तो यहां नेट लिख देता हूं मैं, नेट वर्क डन फाइंड करना है। तो अगर मैं इनलेट की बात करूं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां इसलिए मैंने F1 D1 ले लिया। मैं इतने पार्ट का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करता हूं तो मैंने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनलेट पार्ट का ले लिया। आउटलेट पार्ट का क्या होगा, F2 D2। बट गाइस मैं यहां माइनस यूज कर रहा हूं, यहां माइनस क्यों यूज कर रहा हूं ये बताना चाहूंगा कि जो आर पॉइंट पे जो फोर्स होगा वह यहाँ जो लिक्विड ट्रेवल कर रहा है इसको आर पॉइंट पे रहने वाला फोर्स क्या करता है, अपोज करता है। अपोज करने की वजह से वहां हम क्या लेते हैं, कौन सा साइन लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। ओके इसलिए हमने लिया F1 D1 - F2 D2। अब गाइस हमें इस फोर्स को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इस फोर्स को। तो इस फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे, देखो आप सभी को पता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसको हम दोनों क्या करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे, प्रेशर इनटू एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे। कलर चेंज कर देता हूं। ओके प्रेशर इनटू एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। फोर्स मिल गया, बस इस फोर्स की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, W net = F1 की जगह पे क्या आ जाएगा, P1 A1 और D1 माइनस F2 की जगह पे सेम P2 A2 D2। गाइस एक चीज बताना चाहूंगा कि हम इस पूरे कंडीशन के अंदर हम एक W फाइंड करेंगे, दूसरा W फाइंड करेंगे, दोनों को एक दूसरे से इक्वेट करेंगे और फाइनल हमारा रिजल्ट आ जाएगा, देखो कैसा। तो ये हो गया हमारा W net = P1, ये A1 D1 एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है हमारा वॉल्यूम। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम। बट गाइस मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया था
कि वॉल्यूम हर जगह क्या है सेम, वॉल्यूम क्या है कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे डीवी लिख देंगे। अब बोलोगे सर डी क्यों लिया है, क्योंकि हम छोटे से पार्टिकल की बात कर रहे हैं, छोटे से जगह की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिया डीवी, हम बस कितने से जगह की बात कर रहे हैं इसलिए हमने क्या लिया डीवी। बट यहाँ वन टू क्यों नहीं लिख रहा हूँ, वन टू इसलिए नहीं ले रहा लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया इनलेट और आउटलेट दोनों जगह वॉल्यूम क्या है सेम है। ओके पी टू फिर से एरिया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो इनलेट और आउटलेट दोनों जगह सेम है क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। अब गाइस दोनों में से डीवी क्या हो जाएगा कॉमन पी वन माइनस पी टू और ये डीवी आ गया बाहर। तो ये हो गया हमारा नेट वर्क डन, नेट वर्क डन निकल गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन दे दिया। अब बढ़ते हैं आगे, देखो गाइस इसके अंदर बताना चाहूंगा कि टोटल मिला के दो वर्क डन निकालेंगे और दोनों वर्क डन को हम क्या करेंगे बैलेंस करेंगे और दो वर्क डन निकलेगा टोटल दो वर्क डन, और दोनों वर्क डन को हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने का हमारा बर्नौली इक्वेशन आराम से मिल जाएगा। तो दूसरा वर्क डन, दूसरा ध्यान से देखो, दूसरा वर्क डन आप सभी को पता है कि एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क होगा, जितना वर्क होगा उतना ही एनर्जी होगा। तो ये जो इक्वेशन हम करने वाले हैं वो इक्वेशन इसी को देख के और इसी को समझ के करने वाले, क्या बोल रहा हूँ ये देखो, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। जितना मैंने बोला जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क होता है, जितना वर्क होता है उतना एनर्जी होता है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि मुझे यहाँ वर्क निकालना है ना, कितनी मतलब एनर्जी जितना उतना ही वर्क है, तो मुझे एनर्जी की वैल्यू निकालूंगा, एनर्जी की वैल्यू दोनों वैल्यू को प्लस कर दूंगा तो मुझे यहाँ वर्क मिल जाएगा। तो ये वर्क मिल गया और ये वर्क को दोनों कंपैरिजन करूंगा तो मुझे वर्नौली इक्वेशन को मैंने प्रूव कर दिया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट पे एनर्जी कितनी है और इनिशियल पोजीशन पे आउटलेट पे कितनी एनर्जी है और इनलेट पे कितनी है, ये दोनों को हम क्या करेंगे चेंज मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो 1/2 mv square, ओके, तो दोनों जगह मैंने 1 लिख दिया माइनस सॉरी 2, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल लिखना पड़ता है ना, ये फाइनल माइनस इनिशियल m1 v1 का स्क्वायर। अब गाइस ध्यान दो, 1/2 mv square, ये v वॉल्यूम नहीं है, याद रखो ये क्या है 1/2 mv square, ये क्या होता वेलोसिटी होता है ना, ये क्या होता वेलोसिटी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वॉल्यूम नहीं है। तो सर ने यहाँ क्यों सेम नहीं लिखा, ये वी मतलब वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है वेलोसिटी, इसलिए मैंने यहाँ 1/2 लिखा हुआ है। ओके अब बात करते हैं हमारा एम को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, आप सभी को होता है एम इक्वल टू रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, देखो ये वॉल्यूम आ गया, तो एम को एम इक्वल टू रो इंटू वी हो जाएगा, रो इंटू वी। तो इस एम के जगह पे क्या कर दूंगा रो, ये जो डेंसिटी की वैल्यू होती है ये कॉन्स्टेंट ही होती है, और ये जो वी होता है वी वॉल्यूम, बर्नौली इक्वेशन के लिए वी भी क्या है कॉन्स्टेंट है, इसीलिए यहाँ ये दोनों के जगह फिर मैंने 2 लिखा नहीं है, आगे हमारा ये वेलोसिटी वाला है तो इसको मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। सेम गाइस 1/2 एम के लिए भी यही हो जाएगा, रो इनलेट पे सेम लिक्विड है इसके लिए उसके भी लिए भी डेंसिटी रो ही हो जाएगा, क्योंकि इनलेट पे जो लिक्विड जा रहा है वही तो आउटलेट से निकल रहा है, तो इसके लिए भी सेम हो जाएगा रो इंटू डीवी, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और यहाँ वॉल्यूम मैंने डीवी क्यों लिखा है, आप सभी को मैंने बताया कि मैं छोटे से छोटे पार्ट की बात कर रहा हूँ। आगे हमारा v1 square, अब गाइस देखो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 1/2 रो डीवी, इधर क्या बचा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, क्लियर। और ये हो गया हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहला हमने निकाला, दूसरा निकाल दिया, इसको हम दूसरा इक्वेशन दे देते हैं और इसको दे देते हैं हम तीसरा, हो गया। अब गाइस ध्यान दो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है, क्योंकि दोनों फाइंड करेंगे वही इसके अंदर पुट कर पाएंगे ना, तभी तो हमें वर्क डन मिलेगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, याद रखो mgh फॉर्मूला आता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। ओके तो आउटलेट माइनस इनिशियल, आउटलेट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है और इनलेट पॉइंट पे कितना है, उस तरह से हम माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, इसलिए हम 2 लिखेंगे। ओके बच्चे लोगों को इतने बता रहा हूँ मैं, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल और इनिशियल क्या है m1g, तो सेम होता है इसलिए वहाँ 1/2 नहीं लिखूंगा ये वर्ड। अब गाइस ध्यान दो अच्छे से, अब देखो इस मास को फिर से मैं चेंज करूंगा, मास कैसे चेंज हो जाएगा रो इंटू डीवी, अभी मैंने ऊपर निकाला था मास के लिए रो इंटू डीवी,
डेंसिटी है सेम होता है, चेंज नहीं होता, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। और यहाँ इस कंडीशन के लिए वॉल्यूम के लिए भी, इस कंडीशन बॉर्नौलिस के लिए भी वॉल्यूम क्या होता, सेम होता, चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने इसको ऐसा रखा है। और आगे क्या है, जी एच टू सेम गाइस, यहाँ भी इनलेट पार्ट पे वही लिक्विड है इसलिए उसकी डेंसिटी रो हो गई और वॉल्यूम तो सेम होता है। और ये जी एच वन, अब गाइस देखो दोनों में से सेम क्या है, सेम हमारा रो डी वी जी, अंदर क्या बचा हमारा एच टू माइनस एच वन, क्लियर। ये हो गया हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन नंबर फोर, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो अच्छे से, तो थोड़ा मैं इसको थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ये देखो अच्छे से समझो, देखो हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल गई, इसको कलर चेंज कर देता हूँ, हमें ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल गई, हमें ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल गई, ओके। ये दोनों वैल्यू को मैं यहाँ कहा, यहाँ 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 पुट करूंगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो मुझे यहाँ वर्क मिल जाएगा। और ये वर्क दोनों, ये भी वर्क है ये भी वर्क है, दोनों कंपैरिजन करूंगा तो मुझे फाइनल क्या मिल जाएगा, हमें बर्नौलिस इक्वेशन मिल जाएगा। लाइन भेज देता हूँ, देखो W इक्वल टू, मैं फिर से लिखता हूँ कलर चेंज करके, W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना गाइस, देखो यहाँ हमने निकाला था 1/2 रो डी वी, ब्रैकेट में क्या है, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, रो डी वी जी, और अंदर क्या बचा, रो डी वी जी अंदर एच टू माइनस एच वन, क्लियर। देखो गाइस ये बचा है हमारा, ये हो गया हमारा वर्क डन। अब ये हो गया हम इक्वेशन नंबर, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब ये भी वर्क डन है, और ये जो ऊपर वाला वर्क डन था, जो हमने पहला वर्क डन निकाला था, इसको मैं व्हाइट मार्कर से कर देता हूँ, ये जो पहला वर्क डन निकाला था, फर्स्ट फर्स्ट को और हम फिफ्थ को, फर्स्ट और फिफ्थ को हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड फिफ्थ, तो फर्स्ट का ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वही से क्या हो जाएगा, देखो पी वन माइनस पी टू डी वी इक्वल, मैंने बोला राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम, इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड लिखा, अब इधर का भी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम लोग, क्या ये 1/2 रो डी वी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर प्लस रो डी वी जी एच टू माइनस एच टू, ओके क्लियर। आप गाइस ध्यान से देखो, डी वी डी वी डी वी, ओके, इधर भी डी वी है, इधर भी डी वी, इधर भी डी वी है, तो सब में से डी वी कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा हमारा पी वन माइनस पी टू इक्वल 1/2 रो डी वी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर प्लस, अरे डी वी नहीं आएगा ना, क्या बचा हमारा 1/2 रो, ये बचेगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर प्लस रो, डी वी तो नहीं है ना, जी एच टू माइनस एच वन, ओके गाइस। और ये हो गया हमारा बर्नौलिस इक्वेशन, ये देखो ये हो गया हमारा प्रेशर एनर्जी, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इनलेट और आउटलेट को सेपरेट करना चाहता हूँ तो भी मैं कर सकता हूँ, इनलेट को मैं एक्साइट कर दूं, आउटलेट को एक्साइट कर दूं, वन मतलब वन जहां जहां दिख रहा है वो इनलेट है, और टू जहां जहां दिख रहा है वो आउटलेट है। तो अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो देखो मैं कैसे हटा सकता हूँ, ऐसे पी वन प्लस 1/2 रो, ये इस साइड आ जाएगा ना, 1/2 रो वी वन स्क्वायर, तो इस साइड आ जाएगा रो वी वन स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी हमारा रो जी एच वन, ओके।
इस साइड आ गया ना रो जी, क्योंकि ये रो अंदर मल्टीप्लाई हुआ, इसको भी मल्टीप्लाई हुआ, इसको भी, तो वन वाले को हमने इस साइड ले लिया, तो रो जी एच वन इक्वल टू इसके इक्वल हो जाएगा पी टू पी टू पी टू माइनस पी टू उस साइड चला जाएगा, पी टू प्लस वन बाय टू। अब ये वन इनलेट वाला सभी है, आउटलेट वाला, आउटलेट वाला हम उस साइड ले लेते हैं, तो वन बाय टू, वन बाय टू रो बी टू स्क्वायर प्लस प्लस ये हो गया बी टू का प्लस ये वाला देखो रो रो जी एच, ये देखो पी वन एच वन बाय टू रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन, ये हो गया हमारा इनलेट का पार्ट, और ये सभी टू वाला आउटलेट का पार्ट, क्योंकि इसको तुम अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तुम्हें आराम से मिल जाएगा। मैंने सिस्टमेटिक बता दिया, वन वाले पार्ट को मैंने इधर कर दिया और टू वाले को पार्ट को मैंने कर दिया, तो इनलेट इक्वल टू आउटलेट, इनलेट इक्वल टू आउटलेट, ये भी मैंने प्रूफ करके दे दिया। ये देखो ये हो गया हमारा प्रेशर हेड, ये काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड, और ये हमारा प्रेशर हेड। ओके, तो भाई ये हो गया हमारा टोटल मिला के बर्नौलिस इक्वेशन, और बर्नौलिस इक्वेशन इसी को कहते हैं गाइस, बर्नौलिस इक्वेशन मतलब ये, इसको ध्यान से देखो सर ने ये कैसे किया, वन बाय टू रो, रो जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस बी वन स्क्वायर, ये माइनस, तो माइनस को मैंने इस साइड ले लिया वन को, देन सेम गाइस प्लस रो जी माइनस, माइनस हो गया ना माइनस रो जी एच वन, तो इसको इस साइड ले लिया, और टू वाले को मैंने उस साइड रखा हुआ है, टू वाले को उस साइड रखा और एच वन वाले को, वन वाले को मैंने इस साइड ले लिया, तो इनलेट इक्वल टू आउटलेट हो गया। और ये ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों ही हमारा क्या बर्नौलिस इक्वेशन है, और यहाँ फाइनली हमारा बर्नौलिस इक्वेशन क्या प्रूफ हो गया। अब गाइस आपको ये सभी एक या दो बार तीन बार प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस करके उसको समझना। देखो गाइस पूरे इक्वेशन के अंदर हमने एक ही चीज समझी, हमें दो बार डब्ल्यू निकालना था, और दोनों डब्ल्यू को क्या करना था, कंपैरिजन। पहला वाला डब्ल्यू आप सभी को पता है कि फोर्स, जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकला, फिर फोर्स की वैल्यू हमने पुट की, और फाइनली उसके अंदर कुछ चीजें कॉमन निकल के हमें पहला वाला नेट वर्क डन मिल गया। दूसरा वाला वर्क डन हमने एनर्जी से फाइंड किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों की वैल्यू पुट की तो हमें वहां भी एक वर्क डन मिल गया, और दोनों वर्क डन को कंपैरिजन किया तो हमें बर्नौलिस इक्वेशन मिल गया। सो गाइस ये हो गया टोटल बर्नौलिस इक्वेशन, और हमारा जो हमने स्टार्टिंग में टर्मिनल वेलोसिटी किया, तो गाइस इसको आज ही करके खत्म कर देना और प्रैक्टिस कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।